आप भाजपा के सांसद हो सकते हैं, आदिवासियों के सांसद मैंने आपको नहीं गिनता। अगर आप इस राज्य के बारे अगर आप सोचते, इस राज्य के बारे अगर आपको थोड़ी भी चिंता होती, तो आज आप जो है ना सरना धर्म का विरोध नहीं करते। आज जो है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, ताकि हजारों हजार साल तक कम से कम यहाँ की जो आदिवासी जो संस्कृति है उस धरोहर को हम लोग बचाने में लगे हुए, और आप इसको उजाड़ने में लगे हुए हैं। आज बड़ा विडंबना है। मैं कहना चाहता हूँ समीर उरांव जी से, आप छोड़ दीजिए आप लोहरदगा और गुमला को, आप राजधानी के जो रांची है ना और हटिया है वहां से चुनाव लड़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपका हैसियत क्या है। मैं तो आमंत्रण करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, आइए आप अगर इतने बड़े अगर हितैषी अगर आप समझ रहे हैं इसको, समीर उरांव को इसको आपने राज्यसभा का सांसद बनाया है, मैं आप भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लड़ा दीजिए विधानसभा रांची और लड़ा दीजिए हटिया विधानसभा से, अब लड़ा दीजिए उसको बोकारो से, अब लड़ा दीजिए उसको धनबाद से, और लड़ा दीजिए उसको झरिया से, आपको पता चल जाएगा। अरे कम से कम जिस स्कूल में आप जन्म लिए हैं उस स्कूल को गाली मत दीजिए। कहते हैं अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर खतियान में सरना जो लिखा हुआ है उसका खंडन आपने क्यों नहीं किया, ये खतियान में गलत लिखा है जो भी सर्वे किया है। आप संघ के इशारे से आप राजनीति करिए, भाजपा के लोग राजनीति करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है, लेकिन आदिवासी मामले पे, समाज के मामले पे, समाज को दिग्भ्रमित मत करिए आप। और समाज को दिग्भ्रमित करिएगा पूरा संगठन आपको घुसने नहीं देगा, गांव गांव इनका पुतला दहन करना शुरू कर देगा, और लोग पूछेगा कि आप हैं क्या। अगर आप अगर अपने आप को आदिवासी नहीं कहते हैं तो मुझे आप बता दीजिए आपकी शादी कैसे हुई होगी, क्योंकि मैंने कहा हमारे यहाँ वन व्यवस्था नहीं है। हमारा पाहन महतो पैनगोरा कोटवार ये एक सिस्टम है हमारा, और अगर आपको लगता है सिर्फ राजनीति करने के लिए समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। अगर आपका शादी भी, आपके रिश्तेदारों का शादी भी, आपके पूर्वजों का शादी ब्याह कैसे हुआ है आप बता दे मुझे, उसके बाद आप बोलिएगा कि खतियान में जो लिखा हुआ है, जो हमारा सर्वे लिस्ट में जो है कि सरना स्थल है, आप उसको बता दीजिए कि यह सरना स्थल नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप बयान दीजिए कि सरना कोड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूं और गर्व है कि मैं प्राकृतिक पूजक हूं। मुझे साक्षात जो दिख रहा है, साक्षात दिखने वाला ईश्वर को आदिवासी पूजा करता है, क्षितिज और धरती प्राकृतिक। आज अगर इन पे अगर इतना ही होता तो विगत 14-15 में इनकी सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, कांके का सरना स्थल। अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है झारखंड आंदोलन के बाद में, मैंने कहा कि राज्य अलग के बाद में जनसंख्या का दबाव निश्चित तौर से बढ़ा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, उसके साथ ही यहाँ का जो धार्मिक जो संस्थान है, धार्मिक जो पहचान है वो भी विलुप्त हुआ है। आज अगर आप राजधानी के विभिन्न कोनों में जाएंगे तो आपको सरना स्थल का अस्तित्व करीब करीब समाप्त नजर आएगा। आपको मसना जो है हमारा वो अतिक्रमण होता चला जा रहा है, हड़गरी जो है हमारा अतिक्रमण होता चला जा रहा है, अखाड़ा हमारा जो है अतिक्रमण होता चला जा रहा है, द्वारसी ने जिसको मड़ाई कहते हैं वो उसका अतिक्रमण होता चला जा रहा है। हम लोगों ने इसको संरक्षित करने के लिए धुनकुड़िया भवन का भी निर्माण कराया। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दो दो बार के, तीन बार के आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, उनका वक्तव्य ये कि सरना स्थल का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप यहाँ का आपके हाथ में बागडोर था तो इतने सारे जो धार्मिक जो स्थल है जो हमारे खतियान में वर्णित है, ना कि मैं मांग रहा हूं, जो खतियान में हमारे वर्णित हैं, जब इस राज्य में जब सर्वे हो रहा था उस टाइम में यहाँ पे खतियान में हमारा सारा धरोहर वर्णित है, आपने उस टाइम में बचाने के लिए क्या कदम उठाया, आपने कोई बचाने का काम नहीं किया, क्योंकि आप संघ के इशारा पे काम करना चाहते हैं। आप चूंकि संघ नहीं चाहता है
जो संघ नहीं चाहता है कि यहाँ के आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है वो फले फूले, वो आगे बढ़े। आज तक आपने कितने धार्मिक स्थल है उसको रक्षा करने के लिए आपने पहल किया है या कानून बनाया? मुझे लगता है कि एक भी कानून नहीं बना। कितने को अतिक्रमण मुक्त किया है? मुझे लगता है कि एक को भी नहीं किया है। और आज के तारीख में जिस जो हमारा डाड़ी हुआ, नदी नाला हुआ, ये तकरीबन सारा समाप्त के कागार पे है। और उसमें जब हम प्रयास करते हैं तो आप कटाक्ष करते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन झारखंड की जनता को इसकी आवश्यकता है, यहाँ के आदिवासियों को इसकी आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने अखाड़ा में और सरना स्थल में धुपड़िया भवन के लिए विशेष व्यवस्था किया है। उसी क्रम में जो हमारा यहाँ बन रहा है सिरोम टोली में है क्या कि जितने भी भाषा संस्कृति खान पान वेशभूषा रहन सहन को हम लोग उसमें उद्धृत करेंगे, उसको हम लोग चित्रित करेंगे। छोटी जगह है, अतिक्रमण अभी तक हो चुका है आधा, उसको मुक्त करके नापी करके हम लोग उसमें पूरे ट्राइबल का जो झारखंडी जो ये है उसका समावेश जो रहा है उसको हम लोग वहाँ दिखाएंगे, ताकि बाहरी पर्यटक जो हमारे आएंगे तो उनको एक झलक में पूरा यहाँ का व्यवस्था समझ में आ जाए। तो हमको तो लगता है कि हम राज्य हित में कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों को लगता है कि इसकी आवश्यकता है। मैं चूंकि मैंने कहा कि विशेष सत्र बुला करके हम लोगों ने सरना आदिवासी धर्म कोड को का बिल को कैबिनेट से पास कराया, झारखंड जो पहला देश का पहला राज्य है जो आदिवासियों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले दिनों वनवासी कल्याण केंद्र में एक सरूल मिलन समारोह होता है, उसमें समीर उरांव जो राज्य के आया है वहां पे, आप सीमेंट के पूजा सीमेंट के आप पूजा कराते हैं, उस टाइम आप कहां गए हुए थे? सोए हुए थे क्या समीर उरांव ये और आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी सीमेंट का जो वृक्ष लगा करके पूजा कर रहे थे? हम प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ जो खूबसूरत तोहफा है उसको हम नमन करते हैं, उसको हम अपना राज्यदेव मानते हैं। आर्टिफिशियल जो है सीमेंट के द्वारा बनाए गए वृक्ष का हम पूजा नहीं करते हैं, जो हमको ऑक्सीजन देता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो मैं उसका हम लोग पूजा करते हैं। उस टाइम कहाँ गए थे जब आप सरना स्थल में सीमेंट का पेड़ लगाया जा रहा था, पूजा किया जा रहा था? उस टाइम तो आप कुछ नहीं बोले। तो राजनीति ही केवल मत करिए। 22 वर्ष हुए होंगे झारखंड अलग को, 17 वर्ष आप लोगों ने किया राज्य को, आप लोग दुर्गति राज्य का दुर्गति किए हुए हैं। आप तो बकस दीजिए, आज तो लड़ाना लोगों को लड़ाना छोड़ दीजिए। आदिवासी समाज किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन उसकी भाषा संस्कृति और उसकी अस्मिता की बात आएगी तो आपके जैसे बहुत सारे नेतागण आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समाज तो वही रहता है। आप हो सकते हैं सीमेंट का बनाया हुआ पेड़ को पूजने वाले, हम ईश्वर का दिया हुआ प्राकृतिक का दिया हुआ जो पेड़ पौधा है उसको हम पूजा करते हैं। साल का वृक्ष झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।